सो गाइस आज के टाइम पे हमारे फ्री फायर में इतने सारे लीजेंड प्लेयर है कि हर दिन किसी न किसी प्लेयर के साथ वर्सेस होता रहता है। एंड इसी के साथ कुछ लोग तो ऐसे भी प्लेयर है जिनको हैकर भी कहा जाता है। सबसे पहले राइस्टार को हैकर कहा गया था एंड कुछ दिन पहले वाइट 444 को और अभी के टाइम पे वाइट FF को भी हैकर कहा जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो फ्री फायर में कई सारे ऐसे भी प्लेयर है जिनका गेम प्ले सच में बहुत ही ओपी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी प्लेयर है जो सच में हैक लगा के खेलते है। सो आपका इस मैटर के बारे में क्या कहना है कॉमेंट में अपनी राय जरूर से बताना। वैसे अगर मैं कहूँ तो जो लोग हैक यूज करके खेलते हैं उनको लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि भाई रेड नंबर देखना सबको पसंद है, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण फेयर प्लेयर जो सच में बहुत ही अच्छा खेलते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और बाद में गेम को क्विट कर देते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो आज का हमारा मेन टॉपिक है बिग यूट्यूबर्स की वर्सेस, जिसमें आप लोगों को राइस्टार से लेके अज्जू भाई सबकी वर्सेस देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्सेस निकल के आता है लोकेश गेमर वर्सेस डायलैंड प्रोस। वैसे तो सब लोग लोकेश गेमर को नूब कहते हैं, लेकिन अब वो लोकेश पहले का लोकेश नहीं रहा क्योंकि भाई लोकेश गेमर ने अभी के टाइम पे अपने गेम प्ले को काफी इम्प्रूव किया है। एंड इन दोनों की वर्सेस आज से करीब एक साल पहले हुआ था एंड ये वर्सेस आज तक का सबसे बिगेस्ट वर्सेस है, जहाँ की लोग इंडोनेशिया से लेके नेपाल बांग्लादेश हर जगह के प्लेयर इन दोनों की वर्सेस देखने आए थे। लेकिन यहाँ पर लोकेश गेमर हार जाते हैं और इनको इतना गाली पड़ता है कि भाई मजबूरन इनको अपनी कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। सो मैं आप लोगों को इन दोनों की वर्सेस थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ एंड हाँ मैं थोड़ा फनी वो मैं दिखाऊंगा, सो आप लोग दिल पे मत लेना। लोकेश नूब्रा इज कमिंग यार। यार यार उसके पास M1887 है। अरे बाबा यार ये खेल रहा है, कौन खेल रहा है? देखिए धर रहा है तो काय करेंगे ओम को ले भैया ओम को। ओ भाई भाई ए भाई गलत गलत। ओ भाई मेरे सामने होशियारियां नहीं करने का, अपने सामने होशियारियां नहीं करने का, ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा। किसी ने सोची ना होगी यार। ए भाई लग। वैसे यार सच कहूँ तो मैंने आज तक लोकेश भाई को गाली देते हुए नहीं सुना था, लेकिन आज उसका भी दर्शन हो गया। एंड क्या आपका भी मेरी तरह पहली बार दर्शन हुआ है कमेंट में जरूर बताना। तो हमारा दूसरा वर्सेस निकल के आता है अज्जू भाई वर्सेस टीजी दादा की तरफ से। सो आप जिसको भी पता नहीं है कि टीजी दादा कौन है, तो एक स्पोर्ट प्लेयर है जो कि अज्जू भाई की टीम से ही खेलते है और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 2 महीने से इन्होंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसने एक बार अज्जू भाई को 1v1 में हरा के अज्जू भाई से iPhone 13 Pro जीता था। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप अज्जू भाई की मुंह से ही सुन लो। जी दादा जिसने हमारे सामने 1v1 करके iPhone 13 Pro में जीता था और जिसका मैंने पैसा उसको दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन लोग आज ना दादा को वापस बुलाने वाले हैं क्योंकि वो अपन से ना iPhone 13 Pro Max जीता। तो ये तो सुन लिया आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने इन दोनों का एकदम खतरनाक मैच नहीं देखा होगा जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। मेरा मतलब है कि दोनों के दोनों कंपटीशन में चल रहे थे कौन किसको हराएगा, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ। दादा भाई किधर बोलते, दादा भाई किधर, तुम तो इधर ही होती क्या? भाई भारी बंदा है यार ये तो, चांस छोटा ही नहीं है, ये ले चिमकांडे। लास्ट बार ये बंदा भाई iPhone 13 Pro में जीत के गया, उसके बाद ये बंदा तो बहुत भारी गेम खेल रहा है भाई। ये तो करोड़ों लाखों रुपीस कमा सकते हो, डू नॉट वरी अबाउट दिस। ए भाई क्यों जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर, जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर ओम गन से इतने हेडशॉट मारेगा, धिचके आओ धिचके आओ धिचके आओ। वैसे अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल प्लेयर होके एक स्पोर्ट प्लेयर को हराना नामुमकिन सा बन जाता है, लेकिन हमारे अज्जू भाई ने बहुत ही आराम से टीजी दादा को हरा दिया। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सच कहूं तो जब फ्री फायर में वन टैप मारने वाले प्लेयर कम थे तो अज्जू भाई को भी लोग हेडशॉट किंग कहते थे, लेकिन जैसे जैसे वन टैप मारने वाले प्लेयर बढ़ते गए वैसे वैसे अज्जू भाई को लोग नूब कहते गए। एनीवेज आगे बढ़ते, हमारा तीसरा वर्सेस निकल के आता है क्लासिक फ्री फायर वर्सेस दास सीएम। एंड ऑब्वियसली बात है कि आप लोग इन दोनों प्लेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, और अगर आप लोग दास सीएम को नहीं भी जानते हो तो आप लोग पक्का क्लासिक भाई को तो जानते होंगे क्योंकि भाई ये रोज अपनी लाइव स्ट्रीम पे ओपी गेम प्ले करते रहते हैं। एंड सच कह रहा हूँ इनका गेम प्ले मुझे बहुत ही ओपी लगता है, भले ये पीसी में खेलते हैं बट इनका गेम प्ले फेयर प्लस तगड़ा होता है। और दूसरी तरफ हमारे सीएम भाई जो कि एक स्पोर्ट प्लेयर बन चुके हैं अभी के टाइम पे, एंड इनकी गेम प्ले भी कतई जहर होती है। ये भाई वन टैप से लेके बॉडी शॉट सब कुछ मारता है, इसीलिए
देखे तो आजकल भाई स्पोर्ट पे तहलका मचा रहा है। सो इन दोनों का वर्सेस आज से एक साल पहले भी हुआ था और आज से 3 महीने पहले भी हुआ था। सो हम इस वीडियो में देखने वाले आज से 3 महीने पहले वाली वर्सेस को, जो कि दोनों का मुकाबला एकदम बराबर का हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो एकदम छोटे से क्लिप पे। तो आप लोगों ने इन दोनों का वर्सेस भी देख लिया। वैसे आप लोगों का इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेयर है कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग मुझे पूछोगे तो मेरा तो ऑलवेज क्लासी भाई। अब मैं यहाँ पे क्लासी भाई को फेवरेट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीएम को हेट करता हूँ भाई। दोनों के दोनों हमारे इंडिया के प्लेयर है तो जाहिर सी बात है दोनों को सपोर्ट करना तो बनता है। जब हम लोग बाहर के प्लेयर को सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने देश के बंदे को क्यों नहीं। हमारा चौथा वर्सेस निकल के आता है व्हाट एफएफ वर्सेस बी2K। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बोला कि जब हम लोग बाहर के प्लेयर को सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने देश के बंदे को क्यों नहीं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये दोनों के दोनों प्लेयर ही हमारे इंडिया के नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनका गेम प्ले बहुत ही अच्छा है। और सच बात तो ये है कि अगर ये लोग नहीं होते तो हमारे इंडिया में इतना जल्दी वांटेड वगैरह फेमस नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर के प्लेयर को देख के इंस्पायर होते हैं। जैसे कि ले लो राइस स्टार को ही, कहा जाता है कि राइस स्टार का इंस्पिरेशन एमेटन है और एमेटन एक बाहर का प्लेयर है। सो अभी तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। सो अब चलिए व्हाट एफएफ और बी2K का वर्सेस देखते हैं। All about the cloud, real imposter, lost up shit. I don't really know you, no, but I know your kind. You got a scheme like Pump, so venom hits fast. She a snake like that, dog. You know me, limousine riding. Pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dog. She say she love me, but I know the bitch. Rolling up a climb to the codeine. Shawty said she know me, show. Yeah, big body, Lexus, Bentley, X bitch want me. Heavyweight, heavyweight, yeah, big body, Lexus, Bentley, X bitch want me. वर्सेस भी देख लिया एंड सच कहूं तो बी2K का स्नाइपर क्या ही चलता है भाई। ये बंदा बस अपनी AWM की कलाकारी के वजह से फेमस हुआ है। और व्हाट एफएफ को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे क्योंकि इसने राइस स्टार के साथ भी वर्सेस किया है एंड ये भी कहा जाता है कि ये बंदा राइस स्टार का काफी अच्छा दोस्त भी है। तो अब फाइनली बात कर ही लेते हैं राइस स्टार के वर्सेस के बारे में एंड ये वर्सेस बहुत ही तगड़ा हुआ था क्योंकि एक तरफ था राइस स्टार और दूसरे तरफ मुन्ना भाई YT। यहां पे मैं आप लोगों को वो वर्सेस भी दिखा दूंगा, बट इसे देखते आप लोग भाग मत जाना क्योंकि आप लोगों से मुझे एक इंपॉर्टेंट बात कहना है। अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ ना तो मुझे हमेशा हेट मिलता रहेगा। भी वर्सेस देख लिया एंड आप लोगों का फेवरेट प्लेयर मुन्ना भाई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अगर आपका राइस स्टार फेवरेट प्लेयर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना और मन करे तो लाइक भी कर देना यार। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर रुकने के लिए बोला था तो सीन क्या हुआ कि कल मैंने जल्दी जल्दी में एक वीडियो बनाया और तुरंत रात के 8 बजे को उस वीडियो को अपलोड कर दिया, बट वहाँ पे Smooth444 फेक निकला। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये फेक Smooth444 है बोल के, क्योंकि मैंने जिस बंदे से उस क्लिप को उठाया था वो बंदा तमिल था एंड ऑब्वियसली बात है मुझे तमिल तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं जल्दी जल्दी में भी था और बिना कुछ रिसर्च किया उस क्लिप को उठा के डाल दिया। फिर तो भैया मुझे इतना हेट मिलने लगा कि पूरा कमेंट सेक्शन ही हेट कमेंट से भर गया। और कुछ लोग कहते हैं कि यार तूने तो बोला था कि मैं राइस स्टार के नाम से कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखो भाई मैंने ये नहीं बोला था कि मैं राइस स्टार के नाम से रियल वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यार तू तो यार एस गेमिंग का छोटा भाई निकला। हां यार मैं थोड़ी बहुत क्लिकबेट करता हूं, बट अगर आप YouTube में रहना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत क्लिकबेट करना पड़ेगा वरना आपको देखने वाले कोई भी नहीं रहेगा। और ये बात एक क्रिएटर बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। सो राय भाई अगर आप भी देख रहे हो तो आप भी समझ जाना, बुरा मत मानना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय। और हाँ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टोक दो।